बहुत खुशी महसूस हो रही है। सबसे पहले तो सतगुरु माता सुनिक्षा जी महाराज का धन्यवाद देने से निकल रहा है, जिनकी कृपा से आज ये दिन हम देख रहे हैं। और साथ में इस बात की खुशी हो रही है कि निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जो योगदान रहे हैं मानवता के प्रति, देश के प्रति, विश्व के प्रति, उनका ये एक एक्नॉलेजमेंट का छोटा सा टोकन है। यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेटर्स, डॉक्टर जनता जी ने भी जो सहयोग दिया है, इन्होंने महसूस भी किया है और एक्नॉलेज भी किया है कि ये योगदान जो इस निरंकारी मिशन के रहे हैं और विशेषकर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जो योगदान रहे हैं, प्रेम, भाईचारा, परिवर्तन, अमन चैन और प्रभु के परमात्मा के साथ में एक नाता मानव का जुड़े, ये उनके जो योगदान है उन्हीं का एक एक्नॉलेजमेंट और एक थैंक्स का टोकन है। और आने वाले समय में ऐसे ही और अनेकों कार्य होते रहेंगे और ये एक्नॉलेजमेंट बढ़ती रहेगी और एहसास और धन्यवाद का भाव बढ़ता रहेगा। निरंकारी परिवार से मैं पिछले कई 10-12 वर्षों से जुड़ा हूँ। सबसे पहले कार्यक्रम मैंने जो रिक्शा स्टैंड है वहाँ पर इनका ज्वाइन किया था और हमेशा हर कार्यक्रम में जाते रहता हूँ, चाहे क्रांति नगर भवन में वैद्यकीय शिविर हो या रक्तदान शिविर, महात्मा द्वारा आता है, निमंत्रण आता है जब जाता हूँ। न्यू बॉम्बे में जो कार्यक्रम हुआ उसमें कई बार जा चुका हूँ। तो एक अच्छा सा जो महात्मा अपने पूरे समाज में एक अच्छा सा संदेशा देते हैं, सेवी भाई संस्था है और वैद्यकीय शिविर, रक्तदान शिविर और लोगों में एक भाईचारा का सबसे बड़ा, कुछ लोग आज धर्म जात के नाम पे लड़ाते रहते हैं लेकिन एक ऐसी संस्था है सभी को साथ में लेकर के, सभी को एक दूसरे में भगवान का रूप है इस विचार को लेकर के चलते हैं और एक दूसरे को, हर भक्त, हर महात्मा हर एक दूसरे को सम्मान देता है, वो एक सबसे बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। और एकदम भाईचारा का एक संदेशा देते रहते उस तरीके से संस्था काम करती है। आज का उद्घाटन बाबा जी के नाम पर रखा गया है, इस सड़क का नाम क्या कहना चाहिए? नहीं, आज ये इस बस्ती के लिए, इस कॉम्प्लेक्स के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। आज एक कह सकते हैं कि दशहरा दिवाली है, एक संत पुरुष के नाम पे, एक महात्मा के नाम पे पूरे रोड का नाम रखा गया है। अजंता यादव जब इस विभाग की नगर सेविका थी 2012 से लेकर 17 तक, महात्मा द्वारा उन्हें पत्र मिला कि इस रोड का नामकरण किया जाए और बाबा हरदेव जी महाराज के नाम पे किया जाए। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा कि कैसे भी करके किया जाए और उन्होंने प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव को पास किया गया। लेकिन 2017 में मैं जब चुन किया था, इस रोड का एक प्रस्ताव और आया था, किसी ने दिया था, तो मैंने कहा था उस प्रस्ताव में, प्रभाग समिति में, उस रोड का नामकरण निरंकारी बाबा हरदेव जी महाराज के नाम पे पास हो चुका है, रेजुलेशन हो चुका है, आप उसको मत करें। तो उसमें कुछ तर्क वितर्क हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आखिर में फिर से बाबा जी के नाम पे ही, निरंकारी बाबा हरदेव जी के महाराज जी के नाम पे ही रोड का नामकरण हुआ, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और सभी लोगों के आशीर्वाद सहयोग से हुआ है, इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ।